हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस क्रैश कोर्स में आज हम 26वां भाग देखने वाले हैं मेंस का, और आज हम इसमें सुकरात के आगे के प्रश्न पढ़ेंगे। मतलब हम ये पेपर 4 एथिक्स पढ़ने वाले हैं दर्शन शास्त्र। सुकरात से संबंधित कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे और आगे के क्वेश्चन हम आज स्टार्ट करेंगे, तो हमारा ये सुकरात वाला जो क्वेश्चन वाला टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट में सावित्री बाई फुले जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले के वीडियो के लिए आप एम सीरीज़ में जाइएगा। एम सीरीज़ में आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एम सीरीज़ मिल जाएगी, वहाँ पे आपको इसके पुराने पूरे वीडियो मिल जाएंगे। ये हैं सुकरात, इनके बारे में आपने पढ़ा सुना ही होगा, और इनके इनसे संबंधित क्वेश्चन जो आपके दर्शन शास्त्र में हैं, आपको जिन इनकी संबंधित दार्शनिक विचार, धार्मिक विचार, आध्यात्मिक विचार, इनसे संबंधित छोटे छोटे सिद्धांत जो इनने दिए हैं वो आपको सभी कर लेना है। पहला क्वेश्चन आज का हम करेंगे, सुकरात की दार्शनिक पद्धति को समझाओ। और ये जिससे मैं ये पढ़ा रही हूँ ये मेरे दर्शन शास्त्र के नोट्स हैं। जो आप मेरा मेंस का पैकेज लेंगे तो मेंस के पैकेज में आपको जो दर्शन शास्त्र की फाइल मिलेगी उसमें आपको इसी प्रकार के हैंड रिटन क्वेश्चन आंसर श्रृंखला में नोट्स मिलेंगे। मेरे जितने भी नोट्स मेरे द्वारा जो बनाए हुए हैं वो सभी हैंड रिटन है, प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किए गए हैं। इसमें आपको 39 बुकलेट मिलेंगी, जिसमें आपको 12 बुकलेट 3 मार्कर की मिलेंगी और 27 बुकलेट आपको 5 मार्क्स और 11 मार्क्स की मिलेंगी। तो आप ये 39 बुकलेट आप भारत में कहीं भी रहते हैं मंगा सकते हैं। इसके साथ अगर आप सॉल्ड पेपर लेना चाहते हैं मतलब, तो 8 बुकलेट और ले सकते हैं, पुराने पेपर के सॉल्ड पेपर आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार से टोटल 47 बुकलेट आपको मिल सकती हैं। तो अगर आप, और इनके साथ एक और बेनिफिट है कि इनके साथ आपको 25 व्हाट्सएप के पेड ग्रुप मिलेंगे। इन पेड ग्रुप में भी आपको नोट्स के अलावा क्वेश्चन आंसर्स की तैयारी करवाई जाएगी, अलग अलग घुमा घुमा के क्वेश्चन आंसर्स दिए जाएंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रैक्टिस हो सके। 25 व्हाट्सएप के पेड ग्रुप अलग अलग सब्जेक्ट के रहेंगे, जैसे कि पॉलिटी का अलग, एथिक्स का अलग, हिस्ट्री का अलग, पर्यावरण का अलग, बायो का अलग, तो इस प्रकार से। और 39 बुकलेट में भी आपको सभी यूनिट वाइज जो है बुकलेट मिलेंगी। तो सुकरात की दार्शनिक पद्धति को समझाओ। सुकरात ने ग्रीक विचारधारा के सर्वथा नवीन और सर्वोत्तम युग को जन्म दिया। सुकरात ग्रीक विचारधारा के थे, और जब इन्होंने अपने विचार दिए तो उनका जो विचार थे वो सर्वथा नवीन थे, मतलब सभी जगह पे नया था, किसी का कॉपी नहीं किया हुआ था, और सर्वोत्तम युग था, सबसे अच्छा युग था। मनुष्य की बुद्धि में आस्था पुनः जागृत हुई, और मनुष्य की बुद्धि में जो आस्था थी वो जो पुनः जागृत हुई, उसने नैतिकता और ज्ञान के क्षेत्र में सार्वभौम और वस्तुनिष्ठ मानदंडों को स्थापित किया। नैतिकता और ज्ञान के क्षेत्र में सार्वभौम और वस्तुनिष्ठ जो मानदंड होते हैं, वैकल्पिक मानदंड होते हैं, उसको स्थापित किया। सुकरात की दार्शनिक पद्धति बहुआयामी है, मतलब हर आयाम को कवर इसने किया हुआ है, जिसे हम प्रश्नोत्तर पद्धति कहते हैं। याद रखिएगा, सुकरात की दार्शनिक पद्धति बहुआयामी है, जिसको हम प्रश्नोत्तर पद्धति कहते हैं। ये आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं सुकरात के जो दर्शन है इसकी विशेषताएं। वे अपना दर्शन संदेह से प्रारंभ करते हैं। जाहिर सी बात है, जब वो बोल रहे हैं प्रश्नोत्तर पद्धति में, जब हमें किसी चीज़ में कोई संदेह होता है, जब हमें, तभी हम उसका प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं, तर्क करते हैं। तो वे भी अपना दर्शन जो है संदेह से ही प्रारंभ करते हैं। सुकरात किसी भी समस्या के प्रति पूर्ण रूप से अज्ञानता प्रदर्शित करते हैं, जिसे सुकरात विडंबना कहा जाता है। ये भी आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि सुकरात विडंबना किसे कहते हैं। तो सुकरात किसी भी समस्या के प्रति, उन्हें कोई समस्या है तो वो ये बताते हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ आता ही नहीं है, मतलब वो समस्या के प्रति पूरी तरह से अज्ञानता प्रदर्शित करते हैं। इसी अज्ञानता को सुकरात विडंबना कहा जाता है। वे वाद विवाद के अत्यंत समर्थक थे। वाद विवाद, कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी संदेह आता है, तो उस पर तर्क वितर्क करना, उस पर वाद विवाद करना वे उचित समझते थे। उन्होंने धात्री प्रणाली भी चलाई। इसके भी क्वेश्चन में धात्री प्रणाली क्या होती है करवा चुकी हूँ। सुकरात के अनुसार ज्ञान उसके प्रत्ययों या परिभाषा में विद्यमान होता है। कोई भी ज्ञान जो रहता है या तो उसके प्रत्ययों में रहता है या उसकी परिभाषा में रहता है। मनुष्य में बौद्धिकता और पशुता के गुण पाए जाते हैं, मतलब अगर वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो पशु के समान हो जाएगा। वे अनुभव को ज्ञान का आधार मानते हैं। जितना ज़्यादा अनुभव होगा व्यक्ति को, उतना ज़्यादा ज्ञान होगा। व्यक्ति जितना ज़्यादा अनुभव, हम देखते हैं कि हमसे ज़्यादा बड़े ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, और हम जितना व्यक्ति बड़ा होता जाता है उसको अनुभव होता जाता है और वो ज्ञानी होता जाता है। वे आगमनात्मक और निगमनात्मक पद्धति को मानते थे।
निष्कर्ष था, सोक्रात की द्वंद्वात्मक पद्धति ने प्लेटो और अरस्तु के दर्शन पर भी प्रभाव डाला। प्लेटो की द्वंद्वात्मक पद्धति और अरस्तु के व्यवस्थित तक सोक्रात की पद्धति का ही विकसित रूप रहता है। तो इस प्रकार हमने ये सोक्रात की दार्शनिक पद्धति पढ़ी। पहले हमने सोक्रात का इंट्रो पढ़ा, क्या क्या है, किस विचारधारा के हैं, उन्होंने उनकी बुद्धि में आस्था जागृत हुई, इसके बाद उनकी दार्शनिक पद्धति बहुआयामी है, फिर उनकी दर्शन पद्धति की हमने पूरी विशेषताएँ पढ़ी और लास्ट में हमने कंक्लूजन निष्कर्ष लिखा। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध, ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि बौद्ध प्रशावी का क्या है, क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन है बौद्ध प्रसावी का क्या है, तो जिस प्रकार किसी धात्री का कार्य बच्चे को जन्म देने में मदद करना है। धात्री का कार्य मतलब क्या होता है, धात्री जो पहले हॉस्पिटल नहीं होते थे तो जो गर्भवती महिला होती थी तो उनको धात्री महिलाओं के पास ले जाते थे तो बच्चे को जन्म में देने में मदद करती थी। तो उसी प्रकार किसी धात्री, जिस प्रकार किसी धात्री का कार्य बच्चे को जन्म देना है ना कि बच्चे को माँ के गर्भ में रखना, इसी तरह शिक्षा का कार्य है आत्मा में पूर्व में उपस्थित ज्ञान को स्पष्ट विकसित और प्रस्फुटित करना। मतलब पहले से जो ज्ञान, धात्री प्रणाली मतलब व्यक्ति में जो ज्ञान है, जो छुपा हुआ ज्ञान है, जो बाहर नहीं निकला है अभी तक, उसको, जो उसका ज्ञान है, उसकी बुद्धि को उजागर करना, ये धात्री प्रणाली कहलाती है। यह पद्धति बौद्धिक प्रशाविका कहलाती है। इसी पद्धति को सुकरात ने क्या कहा है, बौद्धिक प्रशाविका कहा है। क्या बोला है कि जिस प्रकार किसी धात्री का कार्य बच्चे को जन्म देने में मदद करना है ना कि बच्चे को माँ के गर्भ में रखना है, उसी तरह शिक्षा का काम क्या है, आत्मा में पहले से उपस्थित ज्ञान होता है, मतलब आत्मा जो कई जन्मों से होती हुई आई है उसमें ज्ञान होता है, उस ज्ञान को स्पष्ट करना, उसको प्रस्फुटित करना, उजागर करना है, क्या कहलाता है, बौद्ध प्रसाविका कहलाता है। अगला क्वेश्चन है सुकरात की ज्ञान मीमांसा का वर्णन करो। सुकरात की ज्ञान मीमांसा क्या है, तो सुकरात की ज्ञान मीमांसा का मुख्य उद्देश्य है नैतिकता के क्षेत्र में सार्वभौम और वस्तुनिष्ठ मानदंडों को स्थापित करना। क्या है, उनके दर्शन का मुख्य उद्देश्य है नैतिकता के क्षेत्र में सार्वभौम और वस्तुनिष्ठ मानदंडों को स्थापित करना। सार्वभौम मतलब सभी के लिए, और वस्तुनिष्ठ मतलब होता है वैकल्पिक, मतलब ये नहीं तो ये सही, तो ये वस्तुनिष्ठ मानदंडों को जो किसी व्यक्ति के लिए उचित ठहरा है वो उस मानदंड को सेट करना, स्थापित करना। वे ज्ञान मीमांसीय चिंतन को आवश्यक मानते थे, जो ज्ञान मीमांसीय चिंतन होता था वो उसको आवश्यक मानते थे। सुकरात की ज्ञान मीमांसा के 2 पक्ष होते, सुकरात की ज्ञान मीमांसा के क्या थे, 2 पक्ष थे। पहला पूर्व प्रचलित, उसको हम सोफिस्टो बोलते थे, ज्ञान का खंडन। दूसरा अपनी व्याख्या का स्पष्टीकरण। पहला पूर्व प्रचलित ज्ञान का मतलब जो पहले से प्रचलित आ रहा है उसको सोफिस्टो बोलते हैं, उसका खंडन, और दूसरा अपनी व्याख्या का स्पष्टीकरण। तो ये सुकरात की ज्ञान मीमांसा को हम इस प्रकार से वर्णित कर सकते हैं। इसमें और लिखे, सुकरात जो है बुद्धिवादी ज्ञान मीमांसा का प्रतिपादन करते हैं। सुकरात की जो ज्ञान मीमांसा है वो बुद्धिवादी है। सुकरात ज्ञान के आचार मूलक पक्ष पर बल देते हैं। सुकरात क्या करते हैं, ज्ञान का जो आचार मूलक पक्ष है या व्यवहारिक पक्ष है उस पर बल देते हैं। सुकरात के अनुसार ज्ञान और आचरण में एक रूपता होना चाहिए। क्या बोलते हैं सुकरात, कि जो ज्ञान है और जो सुकरात का आचरण है उसमें एक रूपता होना चाहिए। सुकरात ने ज्ञान शब्द का प्रयोग विवेक के अर्थ में किया है। सुकरात ने क्या किया है, जो ज्ञान शब्द का प्रयोग किया है वो विवेक के अर्थ में किया है। बुद्धि और ज्ञान को उन्होंने समकक्ष माना है। सुकरात के अनुसार अज्ञान ही सबसे बड़ा पाप है या अशुभ है। सुकरात बोला है अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं है तो वो सबसे बड़ा पाप है, मतलब अज्ञानता अशुभ है। निष्कर्षतः सुकरात के अनुसार ज्ञान स्वरूपतः न केवल बौद्धिक है बल्कि साथ उसके विवेक युक्त भी है। मतलब सुकरात के अनुसार क्या बोल रहे हैं कि जो ज्ञान का स्वरूप है वो केवल बौद्धिक नहीं है, केवल बुद्धि का नहीं, मतलब विवेक के अनुसार, विवेक का उपयोग करना ही ज्ञान है। इस प्रकार हम सुकरात की ज्ञान मीमांसा का वर्णन, सुकरात का ज्ञान का क्या उद्देश्य है पहले हमने ये लिखा, फिर उन ज्ञान की मीमांसा के हम किस प्रकार से वर्णित कर सकते हैं विशेषताएँ, तो हमने वो लिखा। अगला क्वेश्चन है सुकरात की नीति मीमांसा या नीति शास्त्र की व्याख्या कीजिए। अभी हमने पढ़ा सुकरात का ज्ञान मीमांसा, अब हमने पढ़ा नीति शास्त्र या नीति मीमांसा। तो सुकरात ने नैतिक जीवन की समस्या का निराकरण करने के लिए बौद्धिक आधार खोजने का प्रयत्न किया।
सुकरात ने क्या किया, नैतिक जीवन की समस्या का निराकरण करने के लिए, जो नैतिक जीवन होते हैं, जो उनकी मोरल लाइफ है जीवन की, उसके लिए क्या किया जाए जो हम अच्छा जीवन जी पाए, तो उसके लिए बौद्धिक आधार खोजा गया है, मतलब बुद्धि का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए। उनके अनुसार जिस प्रकार सार्वभौम ज्ञान संभव है, मतलब सभी चारों तरफ का ज्ञान संभव है, उसी प्रकार सार्वभौमिक नैतिकता भी संभव है, उसी प्रकार हम सार्वभौमिक नैतिकता को भी प्राप्त कर सकते हैं। समस्त दुराचरण और बुराई के निराकरण का एकमात्र साधन विवेक है। अगर हमें सभी प्रकार के बुरे आचरण को त्यागना है, बुराई को हटाना है, तो हमें उसके लिए विवेक का उपयोग करना चाहिए। जब तक मनुष्य को सद्गुण के संप्रत्यय का ज्ञान ना हो, तब तक वह सद्गुणी नहीं होता, मतलब उसको सद्गुण का ज्ञान हो तब तक वह सद्गुणी नहीं हो सकता। ज्ञान के अभाव में सद्गुण की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब ज्ञान होगा तभी हम अच्छे गुण सीख पाएंगे। सुकरात के लिए उचित अनुचित का विवेक होना, क्या सही है क्या गलत है, उसका विवेक होना ज्ञान का एक सिद्धांत मात्र नहीं है, बल्कि वह एक मजबूत आस्था का विषय है। अतः ज्ञान ही सद्गुण है। सुकरात विभिन्न सद्गुणों में एकता स्थापित करते हैं तथा यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि करुणा, साहस, न्याय, धैर्य आदि ही सद्गुण के विभिन्न रूप हैं। सद्गुण जो सुकरात हैं वो अलग विभिन्न प्रकार के जो सद्गुण हैं उनमें एकता स्थापित करते हैं तथा यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि करुणा, साहस, न्याय, धैर्य आदि सद्गुण के ही रूप हैं। अगर ये सभी हैं तो मतलब आपके पास सद्गुण हैं। सुकरात ने विवेक को औचित्य और सत्यत्व की कसौटी माना है। सुकरात ने विवेक को क्या माना है? सुकरात ने विवेक को औचित्य माना है, उचित माना है, और सत्यत्व की कसौटी माना है। सुकरात के अनुसार प्रत्येक निषेधात्मक ज्ञान का एक स्वीकारात्मक आधार होता है। जो निषेधात्मक ज्ञान होता है, जो नकारात्मक ज्ञान होता है, किसी चीज़ के पीछे अगर हम मना कर देते हैं या किसी चीज़ के हमारी मतलब गलत रहता है, हमारा जो गलत मानना रहता है कि ये चीज़ गलत है, उसका एक स्वीकारात्मक आधार होता है। इसके अनुसार मनुष्य का जीवन आचार व्यवहार में उच्च कोटि का होना, इनके अनुसार सुकरात कहते हैं कि आचार व्यवहार, अगर जो व्यवहार होता है उसमें भी आपका जो नेचर है वो उच्च कोटि का होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है, सुकरात के अनुसार विषयक दृष्टिकोण को स्पष्ट करो। विषयक दृष्टिकोण क्या होता है? ये वाला क्वेश्चन हम कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सुकरात का विषयक दृष्टिकोण, सुकरात के अनुसार सद्गुण का ज्ञान से क्या संबंध है, सद्गुण संबंधी सुकरात का मत, सोफिस्टो, प्रोटेगोरस, ये पढ़ लेते हैं। सोफिस्टो क्या होता है? एक पेशेवर शिक्षक या बुद्धिजीवी को सोफिस्ट बोलते हैं। ये धर्मनिरपेक्ष होते हैं, नास्तिक होते हैं। इनके अनुसार मनुष्य की हर वस्तु के लिए एक मापदंड होता है, सत्य और असत्य में ये अंतर नहीं करते। सुकरात इनके विचार का विरोध करते हैं। प्रोटेगोरस क्या होता है? ये यूनानी दार्शनिक होते हैं। इनके अनुसार मानव ही हर वस्तु का मापदंड है। प्रोटेगोरस एक सोफिस्ट थे। कौन थे? सोफिस्ट। परंपरागत और प्राधिकरण को अंधी स्वीकृति का ये परंपरागत और अनाधुन जो संस्कृति होती है, जो अंधी संस्कृति होती है, उसका ये विरोध करते थे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्री और मेंस के आप अगर हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।